हेलो एवरीवन, फिर से कन्नड़ ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था क्योंकि गुंजा घर पे नहीं थी और मैं किसी काम में बिजी हो गया था, तो इसलिए ब्लॉग नहीं आ रहा था। बट अब जो है कंटिन्यू ब्लॉग आएगा, पर डे तो नहीं मतलब 2 या 3 दिन पर मेरा पर डे ब्लॉग आता ही है। तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर मत कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और फाइनली गुंजा तो अपने घर गई थी, तो मैं 6 तारीख को गुंजा को उसके घर से मतलब बुला के ले आया हूँ अपने घर पे। और काफ़ी सारा मतलब समय जो है अभी स्पेंड हो गया हम लोग का, और कोई काम ही नहीं हुआ। और गुंजा के सिर्फ घर जाने की वजह से और वो चली गई थी, तो ब्लॉग भी नहीं बन रहा था, कोई वीडियो भी नहीं बन रहा था, बस मेरा टेक चैनल पे जो है वीडियो आ रहा था। तो फाइनली जो टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, वहां से आप मेरे टेक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं टेक से रिलेटेड वीडियोस भी बनाता रहता हूं, काफ़ी मतलब नॉलेजेबल, जो अभी के समय में जो नॉलेजेबल वीडियो होता है, जो जैसे कि मतलब टेक से रिलेटेड कोई भी मोबाइल फोन्स सिम कुछ भी मतलब ऐसा होता है तो उसके बारे में मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, उसमें अनबॉक्सिंग भी करता हूँ, तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा। और बेसिकली मैं अभी जो है अपने घर पे हूँ और फाइनली गुंजा अपने रूम में है, वो कुछ काम धंधा कर रही थी। तो अभी जो है हम लोग जो है करंट टाइम में अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, बट जो है अब वीडियो पे बिल्कुल पूरा फोकस रहेगा, ध्यान रहेगा और वीडियो काफ़ी मतलब अच्छा से अब बनेगा। और आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा क्योंकि हम लोग जो है थोड़ा सा लापरवाही कर दिए हैं और उसके लिए क्षमा चाहते हैं, सॉरी। और आपको जो है नेक्स्ट में ज़रूर आपको वीडियो ब्लॉग्स मिलेगा देखने को। तो फाइनली अभी जो है हम जा रहे हैं घर में, गुंजा अपना काम कर रही है अपना, क्योंकि बहुत सारा चीज़ जो है घर पे नहीं रहता आदमी तो कुछ हो जाता है, पूरा साफ सफाई वो सब कुछ करना पड़ता है। तो फाइनली जो है ब्लॉग बनाने का तो मेरा कोई आज मूड नहीं था, फिर भी मैंने सोचा कि आप लोग एक ब्लॉग ज़रूर दूँ आज। और मैंने उस दिन का भी ब्लॉग नहीं बनाया जिस दिन मैंने गुंजा को लेने गया था, ठीक है, तो उस दिन का भी ब्लॉग मैंने नहीं बनाया। तो आज मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। फाइनली जो ब्लॉग जो है वीडियोज़, तो मैं पहले सोचा भी नहीं था कि ब्लॉग वीडियो बनाऊँगा, फिर भी मैं अपने हेडिटेशन को दूर करके और फिर भी बना रहा हूँ और फिर से एक बार स्टार्ट किया हूँ। तो फाइनली आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो चलते हैं घर में और देखते हैं गुंजा क्या कर रही है। और अभी जो है दोपहर का समय हो गया है, तो जस्ट अभी थोड़ा सा नाश्ता वास्ता भी करेंगे, यानी समझिए कि अब थोड़ा सा भूजा वूजा खाएँगे। तो फाइनली मैं चल रहा हूँ। गुंजा कहाँ है? हेलो बोल दो, इतना दिन बाद मिल रही है सबसे। और बीच में तो ब्लॉग समझिए कि एक ही ब्लॉग बनाया था मैं, जब से मतलब मैं तुम्हारे घर से आया यहाँ पे तब से सिर्फ एक ही ब्लॉग बनाया हूँ। और गुंजा अपना साफ सफाई कर रही है, कपड़ा सब प्रेस कर रही है। तो फिलहाल अभी नाश्ता वास्ता करेंगे हम लोग। क्या भुजा? हाँ भुजा। तो फाइनली अभी हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा भुजा वुजा खाएंगे क्योंकि दोपहर का 3 बजने वाला है। तो फाइनली दोस्तों अभी जो है 3:20 हो गए हैं और मैंने भुजा वुजा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा जिक्रुल्लाह के घर, वहाँ पे उसको थोड़ा मिठाई देना है। गुंजा के घर से जो मिठाई आया है तो वही मिठाई ले जा रहा हूँ उसके घर, जा रहे हैं, ठीक है ना, चिल्लाना मत। बढ़िया है। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपने जिक्रुल्लाह भाई के घर पे। और सब ब्लॉग में ही काम हो रहा है ना? हाँ ब्लॉग वाला काम। और सब बताइए, बढ़िया है आपने? तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने घर पे और मैं तो समझिए कि 6:30 में ही आ गया था क्योंकि मुझे 2 जगह जाना था, एक जिक्रुल्लाह के घर और दूसरे विवेक के घर। तो फाइनली हम दोनों जगह घूम फिर कर आ गए हैं और थोड़ा जो है मिठाई उठाई देना था तो हम लोग आ गए हैं। उसके बाद
जस्ट जो है अभी थोड़ा सा मेरे से गुंजा बोला चली कर ली। जब मैं बता के जाता हूँ उसको, कहीं भी जाता हूँ तो मैं उसको बता के जाता हूँ कि हाँ मैं इस जगह जा रहा हूँ, और फाइनली मैंने वीडियो में दिखाया ही है, फिर भी मतलब उसको क्या बोलते हैं कुछ, मतलब उसको कुछ सेंस ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ उनसे, तो इसलिए थोड़ा सा बोला चाली हो गया है। और हम आ गए हैं दुकान में, दुकान में बैठे हैं आराम से, और वो अपना खाना वाना बना रही है। तो फाइनली अभी जो है टोटली मेरा पूरा माइंड खराब हो गया है उसके बोला चाली करने के चलते, क्योंकि यार उसको कुछ भी बता दो मतलब उसको कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ता है, क्या कह रहा है अगला कुछ सुनती ही नहीं है, बोलती जाती है बस और झगड़ा करती जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा इरिटेट हो गया हूँ। तो फाइनली अभी जो है इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और ठंडी से बचिए, क्योंकि अभी दिसंबर महीने का ठंडी चालू है, और इस ठंडी से आप लोग ज़रूर बचिए, और पूरा फैमिली सदा मतलब खुश रहिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।